खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, दिन की हर बड़ी खबर का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम पांच एंकर्स। आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जब ट्वीट करके हमला बोला तो बदले में बीजेपी ने राहुल गांधी को झूठों का सरदार बता दिया। और क्या अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की योजनाओं का क्रेडिट ले रहे हैं? अमित शाह ने यह बड़ा आरोप लगाया है, आगे दिखाएंगे आपको ये खबर। बिल्कुल अखिलेश, इसके साथ ये भी बताएंगे कि हिंसा करने वाले छात्रों को जब सेना प्रमुख बिपिन रावत ने चेतावनी दी तो किस तरीके से सियासी दलों ने उन्हें घेरा। उधर दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद में हुई हिंसा के पीछे एक साजिश की आशंका जताई जा रही है, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। लेकिन पंचनामा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश, जहां आपको याद है पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था, हिंसा भड़की थी, और अब बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जांच के लिए हर जिले में एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, यूपी में हिंसा की जांच करेगी एसआईटी, हर जिले के लिए अलग से एसआईटी का गठन किया जाएगा, डीजीपी ने हर जिले में एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। और साथ ही आपको बता दें, क्योंकि कल भी शुक्रवार का दिन, नमाज से पहले ही उत्तर प्रदेश के शहरों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। नागरिकता कानून को लेकर यूपी में बीते दिनों हुई हिंसा ने सूबे की कानून व्यवस्था को हिला कर रख दिया था। अफवाहों के चलते प्रदेश के तमाम शहरों में हिंसा भड़की थी, जिसका सबसे ज्यादा असर पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद देखने को मिला था। और देखते ही देखते प्रदेश के 22 जिलों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा से सबक लेते हुए अब शुक्रवार की नमाज से पहले प्रदेश में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। यूपी के सहारनपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, शामली और बुलंदशहर में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। बता दें कि बीते दिनों यूपी में हुई हिंसा में 15 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा फैलाने को लेकर पुलिस ने अब तक 705 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब अगली खबर, सीए को लेकर जब यूपी में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी था, उस दौरान पुलिस और जनता को जोड़ने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपके दिल को छू जाएगी। यूपी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नवनीत सिकेरा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्होंने लोगों की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों के खाने का बिल बिना बताए चुका दिया। मामला यूपी के मुरादाबाद का है। यहां 21 दिसंबर को ड्यूटी के बीच समय निकालकर जब 3 पुलिस कर्मी कुछ खाने गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद भी हैरान रह गए। रेस्टोरेंट में उनके बगल में बैठी एक फैमिली ने उनका बिल चुकाया, यही नहीं पुलिस वालों के लिए एक भावुक संदेश भी छोड़ा। रेस्टोरेंट के अंदर सिपाहियों की ली गई सेल्फी में परिवार के एक शख्स की तस्वीर कैद हो गई, जिससे उस परिवार के बारे में भी पता चल गया। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने विश्वविद्यालयों में हो रहे प्रदर्शन पर सवाल उठाए। इवन अमंगस्ट द क्राउड यू फाइंड लीडर्स एमर्ज, बट लीडर्स आर दोज हु लूड लीड पीपल इन द राइट डायरेक्शन, लीडर्स आर नॉट दोज हु लीड पीपल इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, एज वी आर विटनेसिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, द वे दे आर लीडिंग मैसेज ऑफ क्राउड्स to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction. ये जो आर्मी चीफ का बयान सुन रहे थे, दरअसल छात्रों के आंदोलन को लेकर आर्मी चीफ के इसी बयान पर सियासी पार्टियों ने अब तंज कसा है। आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान वो भी गलत है फिर। ओवैसी के इस हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आर्मी चीफ के बयान पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने लिखा, मैं आपसे सहमत हूं जनरल साहब, लेकिन नेता वो भी नहीं हो सकता जो अपने अनुयायियों को सांप्रदायिक आधार पर नरसंहार के लिए भड़काए। क्या आप मुझसे सहमत हैं जनरल साहब? और अब अगली अहम खबर का रुख करते हैं। चुनाव का ऐलान दिल्ली में अगले हफ्ते हो सकता है और उसे देखते हुए केजरीवाल ने चला है दांव। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनावों के ऐलान की उम्मीद है। इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आज तीनों चुनाव आयुक्त के साथ बैठक की।
चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली में उपलब्धियों और वादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिव्यांगों के लिए 100 विशेष बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही केजरीवाल ने कांग्रेस की ओर से दिल्ली में 600 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान पर भी सवाल उठाए। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो दिल्ली के अंदर 600 यूनिट तक हम रियायत देने जा रहे हैं। कल दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया था। चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जनवरी के दूसरे हफ्ते तक कर सकता है, जिसके बाद जारी हो जाएगी अधिसूचना और लग जाएगी आचार संहिता। और उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक चुनाव की ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो दिल्ली में मौसम सर्द है, लेकिन सियासत देखिए किस कदर गर्म है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की तैयारियों के बीच अमित शाह ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। ईस्ट दिल्ली हब के शिलान्यास के मौके पर अमित शाह ने केजरीवाल पर केंद्र की योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाने का आरोप लगाया। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत की, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया कराया है, अपने नाम का ठप्पा लगा देना। साथ ही झुग्गी बस्तियों को लेकर दिल्ली में जारी सियासत पर भी केजरीवाल को जवाब दिया। मैं दिल्ली की जनता को बताने आया हूँ कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक कंसेप्ट देश के अंदर सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान सीज फायर का रोज उल्लंघन करता है। खबर यह है कि भारतीय जवानों ने हमेशा की तरह सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन का करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक करतूत का भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर हो गए। पाकिस्तान की गोलीबारी में कल एक भारतीय जवान शहीद हुआ था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर पाकिस्तान को हर जवाब देने के लिए सेना तैयार है। सेना इतनी सक्षम है, जो भी आवश्यक होगा वो सब करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण आज पड़ा। सुबह 7:59 पर सूर्य ग्रहण शुरू हुआ, जिसे देश और दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। देश के तमाम शहरों में आज लोगों ने सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे देखे। ये साल का दूसरा लेकिन भारत में दिखने वाला पहला सूर्य ग्रहण रहा। पहला सूर्य ग्रहण इस साल जनवरी की रात में लगा था, इसलिए वो भारत में नहीं देखा जा सका था। आज का पूर्ण सूर्य ग्रहण दक्षिण के कुछ राज्यों में दिखा, बाकी शहरों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखा। सूर्य ग्रहण करीब 5.5 घंटे तक रहा। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सूर्य ग्रहण है इसका नजारा आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देखा। दशक के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह देखा गया। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खगोलीय घटना के साक्षी बने, वो भी एबीपी न्यूज के साथ। ये तस्वीर देखिए, पहले पीएम मोदी सूर्य ग्रहण देखने के लिए बाहर गए, लेकिन दिल्ली में बादल छाए होने के कारण पीएम मोदी सीधे सूर्य ग्रहण को नहीं देख सके। इसके बाद उन्होंने एबीपी न्यूज पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देश भर में दशक के आखिरी सूर्य ग्रहण के खूबसूरत नजारे को देखा। तो दुनिया भर में दिखा सूर्य ग्रहण का नजारा, भारत में किस तरह नजर आया सूर्य ग्रहण ये हमने आपको दिखाया। लेकिन आज सूर्य ग्रहण से पहले कल ही सभी मंदिरों में पूजा पाठ की गई और फिर मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया गया। सूतक काल में मंदिर के परिसर खाली ही नजर आए। सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों ने नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। चौथी तस्वीर दोपहर 12 बजे की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हुआ मंदिरों का शुद्धिकरण किया गया और भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। और अपने दर्शकों को बता दें कि दुनिया के कई शहरों में भी सूर्य ग्रहण का नजारा दिखाई दिया। दुबई से लेकर अबू धाबी, सिंगापुर, कोलंबो की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। ये देखिए, अबू धाबी में 9:05 पर सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखा। वहीं सिंगापुर में 9:30 सूर्य ग्रहण देखा गया। यहां सूर्य ग्रहण कुंडल की तरह दिखाई दिया। कोलंबो में 9:40 पर सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। यहां सूर्य ग्रहण की आकृति अर्ध चंद्रकार रही।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहाड़ों की बात करते हैं, जहां ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि पानी को बर्फ बनने में भी वक्त नहीं लग रहा, आप खुद देख लीजिए। ये तस्वीर ठिठुरा देने वाली ठंड का आलम बयां कर रही है। पहाड़ पर ठंड किस तरह जुल्म ढाती है ये तस्वीर बखूबी बताने के लिए काफी है। ठंड इतनी ज्यादा है कि बाल्टी में रखा पानी बर्फ बनते देर नहीं लगा। ये जमा देने वाली ठंड हिमाचल के लाहौल स्पीति में पड़ रही है। पारा -5 डिग्री हो चुका है। बाहर बर्फ का अंबार है तो लोग घर में कैद हैं। कश्मीर की ठंड देखिए, पारा माइनस के नीचे जा रहा है। श्रीनगर की डल लेक जमना शुरू हो गई है। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास में इस वक्त पारा -30 डिग्री लुढ़क चुका है। वहीं लेह में -18 डिग्री टेम्परेचर है।